है कि यार आप बहुत अच्छा काम करते हो ना, तो आपको रोक दिया जाता है वहीं पे, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर आपको हटाया तो जो काम अच्छा हो रहा था वो ना बिगड़ जाए। हमारी सोच अलग है, हमको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपको ऊपर उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो काम और करवा देंगे, उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके हाथ में बड़े चैलेंजेस नहीं आएंगे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप खुद कितनी कैपेबिलिटी कर सकते हैं। जब हमने कंपनी चालू करी थी तो हम 10-15 लोग मिलकर चालू की थी। हमको लगता है कि यार घर जो 5 लोगों का होता है ना, वो संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग भी फील करते होंगे, आप सोचो 1500 लोगों के घर चल रहे हैं, वो संभालना मजाक नहीं है। उसके एस्पिरेशन को समझना, लोगों को बिल्ड करना, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोगों को इंटरनल बिल्ड करें। क्यों? क्योंकि हरी ओम प्रकाश नहीं है, ऐसे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। एक कोई गौरव सेठिया करके है, कोई विशाल दुलुतिया करके है, ये सब लोग जो हमारे साथ शुरुआत में जुड़ते हैं, और इनसे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज्यादा कुछ किया, और इनको सीधा वहां से उठाया और हेडक्वार्टर में रखा। क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर इज ए माइंडसेट, वो एक माइंडसेट है। सेम आप लोगों के साथ में भी ऐसा होगा। शॉप किराना आज 15 शहरों के अंदर वर्क करती है, हम इसको और 15 शहरों में लेके जाएंगे अगले 6-8 महीने के। लॉन्च है क्या आपका अहमदाबाद? मैंने कहा हाँ। बोलते चलो यार ऑल द बेस्ट। कब पहला इनवॉइस क्रिएट करोगे? मैंने 2 साल पहले कर दिया था इनवॉइस को क्रिएट अहमदाबाद में, तो वापस से क्यों लॉन्च की बात कर रहे हैं? किसने सवाल, आप लोगों ने किसी से किया ये सवाल? आपको ऐसे लॉन्च लॉन्च की कहानी सुनाई ना, यहाँ पे लॉन्च है लॉन्च है लॉन्च है लॉन्च है, तो सामान बड़ा वाला बेच कर क्या का लॉन्च? माइंड सेट की दिक्कत है। आज हम बिजनेस करते हैं अहमदाबाद में, तो आप सोच लो सपना कितना बड़ा हमारा। हिंदुस्तान चाहिए आपके अंदर, पूरा ही चाहिए, छोटा मोटा नहीं चाहिए।